अगर 5 मिनट में कुछ हेल्दी टेस्टी चटपटा खाने का मन हो तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को उबाल कर इसके ऊपर का छिलका निकाल कर इसे एकदम अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब ब्रेड क्रम्स। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें 1 कप ऐड कर दिए हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब कॉर्न फ्लोर। आप चाहे तो इसकी जगह पर चावल का आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच के करीब भुना हुआ जीरा पाउडर। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हम सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिलाना है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसका एकदम सॉफ्ट शैडो बनाकर रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसका सॉफ्ट शैडो बनाकर रेडी करना है। अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसमें से 1 लूही लेंगे और इस तरह से हम इसे हाथों की हेल्प से इस तरह से सेट करेंगे। जिस भी शेप में हमें ये नाश्ता बनाना है उस शेप में हम इसे बनाकर रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छे से सेट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे सेट करना है। अब हम नाइफ की हेल्प से इसे इस तरह से बीच में से काट लेंगे और इस तरह से हम इसे ट्रायंगल वाले शेप में कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छी तरीके से कट कर रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे बनाकर रेडी करना है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है और इसे शेप भी कितना बेहतरीन आया है। इसी तरह से हम बाकी के भी बनाकर रेडी करेंगे। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे नाश्ते बनाकर रेडी कर लिए हैं। साइड में मैंने पहले से ही गैस पर ऑयल गरम होने को रख दिया था और देखिए हमारा ऑयल भी एकदम अच्छे से गरम हो चुका है। इस स्टेज पर हम एक एक करके इसमें सारे नाश्ते डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें 4 नाश्ते डाल दिए हैं। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम पर रखेंगे और इसे एकदम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो कुछ ही देर में आप देख सकते हैं एक साइड से एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो देखिए इसे कलर कितना अच्छा आया है। इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड भी एकदम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे उलटते पलटते दोनों साइड से एकदम अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। इस स्टेज पर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के भी बनाकर रेडी करेंगे। तो देखिए हमारा सुपर टेस्टी नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है और एकदम क्रिस्पी बनकर रेडी हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और साथ ही रेसिपी क्रिएशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।